एक एलईडी को ब्लिंक कराने के लिए मैं 7 सेगमेंट को यूज करूँगा। इसमें 8 एलईडी होते हैं और इनमें से मैं किसी एक एलईडी को ब्लिंक करवाऊँगा। कोई भी एलईडी आप चूज कर सकते हैं, मैं इसके सेक्शन ए का एलईडी यूज करने वाला हूँ। अब इसके लिए हम देखेंगे कि इसके लिए प्रोग्राम कैसा होना चाहिए। तो हमारा प्रोग्राम ये रहा जिसमें मैं पोर्ट 1 में AA मूव करा रहा हूँ और ये हेक्साडेसिमल में लिखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि आप पोर्ट 1 जो कि 8 बिट का है उस पर 10 10 10 आप फीड कर रहे हैं। उसके बाद मैं एक डिले को कॉल कर रहा हूँ। डिले मतलब कि थोड़ी देर के लिए ये ऑन रहे या फिर ऑफ रहे वो। फिर मैं पोर्ट 1 पर 55 हेक्साडेसिमल में फीड कर रहा हूँ। इसका मतलब 010 10 10 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 0 है तो थोड़ी देर बाद ये 1 हो जाएगा, 1 है तो थोड़ी देर बाद में ये 0 हो जाएगा, ठीक है। और अगर ये प्रोसेस मैं बार बार रिपीट करूँ तो एलईडी जिस पिन पर मैं कनेक्ट करूँगा वो अपने आप ब्लिंक होना शुरू हो जाएगा। फिर मैं डिले कॉल किया हूँ और शॉर्ट जंप हेयर, मैं इसे फिर से रिपीट करना चाहता हूँ कि रिपीट ये प्रोसेस हमेशा रिपीट होता रहे। और डिले के लिए एक कॉल डिले, तो ये जब डिले कॉल होगी एक कॉल डिले तो ये प्रोग्राम शिफ्ट होकर अपने आप यहाँ आ जाएगा। वहाँ पर मैंने डिले प्रोग्राम जनरेट किया है। रजिस्टर 4 में मैं 0FF हेक्साडेसिमल फीड किया हूँ। फिर रजिस्टर 3 में भी FF फीड किया हूँ। उसके बाद एक कंडीशन चेक कर रहा हूँ कि R3 0 हुआ या नहीं। R3 में मैंने 0FF डाला हुआ, इसका मतलब कि ये 0FF को डेसिमल में बदलिए उतने टाइम्स ये चलेगी। और अगर ये 0 हो जाता तो फिर ये R4 को डिक्रीज करेगी और इसे चेक करेगी कि ये 0 हुआ या नहीं हुआ हो। तो जब तक R4 0 नहीं हो जाता तब तक ये R3 भी चलता रहेगा। जब R4 0 हो जाएगा तो रिटर्न होकर ये अपने आप ये डीले के बाद वाले को एक्सक्यूट करेगा वो। इस तरह से एक डीले के साथ LED हमारा ब्लिंक होने चाहिए। सेम प्रोग्राम में एक किल माइक्रो सॉफ्टवेयर में लिखा हूँ, मैं किल सॉफ्टवेयर में लिखा हूँ जो कि यहाँ से मैं इसे हेक्साडेसिमल बदल करके माइक्रो कंट्रोलर में बर्न कर दूंगा वो। तो अब बर्न करने की बात आती है, तो यह है हमारा बर्नर। इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। इस बर्नर के थ्रू हम माइक्रो कंट्रोलर में प्रोग्राम को बर्न कर सकते हैं। यह है माइक्रो कंट्रोलर डेवलपमेंट बोर्ड। इसमें पोर्ट 0 ये रहा, पोर्ट 1, पोर्ट 2 एंड पोर्ट 3। मैंने पोर्ट 1 के पिन नंबर 0 पर एलईडी को कनेक्ट करना। यह है सर्किट अरेंजमेंट। इसमें ये बर्नर है, बर्नर को हमने कनेक्ट करना है लैपटॉप से। और बर्नर को जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने एक माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट कर रखा है। ये क्या करता है, ये कैसे कनेक्ट करना है, इसके बारे में आप हमारे पहले के वीडियो में जान सकते हैं। और ये माइक्रो कंट्रोलर के पोर्ट नंबर 1 के पिन नंबर 0 से मैंने एक एलईडी कनेक्ट किया हुआ है और ये एलईडी 7 सेगमेंट का एक पार्ट है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा जो ये 7 सेगमेंट है वो कॉमन एनोड है। ये कॉमन एनोड है, इसका मतलब कि इसे VCC से कनेक्ट करना पड़ेगा। मैंने एलईडी के थ्रू एक VCC से कनेक्ट कर रखा हुआ है और एलईडी ए पर मैंने पोर्ट 1 के पिन नंबर 0 से इनपुट दिया हुआ है। तो अब हम अपने बर्नर को लैपटॉप से कनेक्ट करते हैं। मैंने प्रोग ISP बर्नर का यूज किया है। जैसे ही आप अपने बर्नर को लैपटॉप में कनेक्ट करेंगे ये PRG ISP जो सिंबल बना हुआ है ये आपका हाईलाइट हो जाएगा वो, ये कुछ इस तरह से। इसका मतलब ये हुआ कि आप प्रोग्राम को माइक्रो कंट्रोलर में बर्न करने के लिए तैयार हैं। ये प्रोग्राम मैं माइक्रो कंट्रोलर का कील माइक्रोविजन 3 में लिखा हूँ। इसका हेक्स फाइल मैं पहले से ही
जनरेट कर रखा हूँ। तो अब लास्ट काम ये रहा कि इस मैक्स फाइल को माइक्रो कंट्रोलर में बर्न कर दिया जाए। प्रोग्राम को बर्न करने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से माइक्रो कंट्रोलर को चूज कीजिए। 8089S52 माइक्रो कंट्रोलर है मेरा, और यहाँ से आप लोड फ्लैश कीजिए, और ये ब्लिंक हैक्स, ये किल माइक्रो किल सॉफ्टवेयर में लिखा हुआ है। ये किल के थ्रू मैंने इसे हैक्स फाइल में बदला हुआ है। हैक्स फाइल में कैसे बदलें इसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया, आप वहाँ से इसे देख सकते हैं। मैं इसे लोड करता हूँ, और अब सिर्फ ऑटो को प्रेस कीजिए। ऑटो को प्रेस करने के बाद ये अपने आप प्रोग्राम को बर्न कर देगा। और आपका यह प्रोग्राम बर्न हो चुका है। आप देख सकते हैं एलईडी हमारा ब्लिंकिंग कंडीशन में है। अब ये डिले पर डिपेंड करता है कि आप इसे कितना डिले देना चाहते हैं। जितना ज़्यादा डिले दीजिएगा उस इतना पीरियड इसका ब्लिंकिंग का आपका कम होता जाएगा वो। तो ये था आपका ब्लिंकिंग का प्रोग्राम। थैंक यू।